हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जयमिन सथवारा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करके ये बताया कि सर, हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हमारा एग्ज़ाम में कुछ उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आज का ये वीडियो जो है, इसका टॉपिक है हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। ये ध्यान में रख लेना ज़रूरी है बच्चों। वीडियो शुरू करने से पहले ही हम ये आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ टिप्स देने वाले हैं, एंड दीज टिप्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है बच्चों कि हम में से हर कोई कोई ना कोई फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है। कोई क्रिकेट में एक्सपर्ट है, कोई जो है वो फुटबॉल के अंदर एक्सपर्ट है, और कोई जो है वो वॉलीबॉल के अंदर एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले ये जान लो बच्चों कि हम लोगों ने ये जो एक्सपर्टीज जो है उसे हासिल कैसे किया। तो उसे हमने हासिल किया बाय इन्वेस्टिंग अवर टाइम। तो कोई भी चीज़ के अंदर अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो उस चीज़ के अंदर आप अपनी जो मास्टरी जो है उसे आप लोग अचीव कर सकते हो। वैसे ही स्टडी के अंदर भी बच्चों, आई एम डैम श्योर कि अगर आप स्टडी के अंदर भी मास्टरी अचीव करना चाहते हो तो आप लोगों को अपना टाइम उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फर्स्ट टिप्स है फोकस ऑन द लेक्चर। जब भी कोई भी फैकल्टी आपको कोई भी लेक्चर दे रहा हो तो उस लेक्चर पे 100% फोकस करिए, तो उसी टाइम पे आपका 50% काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फैकल्टी आपको जो भी कोई शॉर्ट ट्रिक्स दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, एमसीक्यू दे रहे हैं, वो हर कोई चीज़ आपको एक नोटबुक के अंदर नोट डाउन करते जाना है। तो एग्ज़ाम टाइम पे ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ये ध्यान में रखिएगा। सेकेंड टिप जो है वो है हमारी कॉन्टेम्पलेट अबाउट योर लेक्चर। यानी कि कोई भी फैकल्टी अगर कोई भी लेक्चर देता है तो उस लेक्चर के बारे में आपको सोचना है बच्चों कि इस लेक्चर में आज फैकल्टी ने हमें पढ़ाया क्या है, इसके फॉर्मूलाज क्या थे, उसके रिएक्शंस क्या थे, उस फॉर्मूला से हम लोग दूसरे कितने प्रॉब्लम्स को क्रैक कर सकते हैं, ये सभी आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी एक चीज़, उस टॉपिक को हम लोग इंटीग्रेट दूसरे कौन से टॉपिक के साथ कर रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लोग क्रैक कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारी सेकंड टिप्स है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थर्ड जो है टिप्स, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस टिप इज कंटिन्यूस एंड रैपिड प्रैक्टिस। आप कोई भी एक चीज को प्रैक्टिस कर करके उसके अंदर एक्सपर्टीज ला सकते हो बच्चों। जैसे कि कोई भी एक न्यूमेरिकल्स है तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आप उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे प्रैक्टिस कर करके उसके अंदर उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है, या फिर उसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ आपको आ सकता है बच्चों। सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, तो वो सब अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट कैसे बने, तो वो सब भी अपने फील्ड के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस कर करके ही हर कोई अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बना है। आप भी बच्चों ऐसे कोई भी चीज के बारे में अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करके उसके अंदर एक्सपर्ट बन सकते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप है हमारा एवेल्यूएशन ऑफ योरसेल्फ, कि आपको अपने आप को एवेल्यूएट करना पड़ेगा। एग्जाम जो है वो सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बार बच्चे बहुत ही ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम नहीं देते हैं तो उन्हें मालूम ही नहीं चलता है कि हमने जो पढ़ा है उसमें से प्रॉपर हमारा रिजल्ट कितना आता है, ये भी जान लेना जरूरी है। क्योंकि बच्चों हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें से हम लोग कितना लिख सकते हैं, और वो जो हमने कंटेंट जो लिखा हुआ है उसमें से कितने मार्क आते हैं, वो भी जानना जरूरी है। इसीलिए ये जो टिप है हम लोग बता रहे हैं कि एवेल्युएट योरसेल्फ, आपको अपने आप का सेल्फ एवेल्युएशन करना पड़ेगा, ये जान लेना भी जरूरी है। और फिफ्थ और लास्ट ट्रिक है हमारा
के स्ट्रेटजिक इम्प्रूवमेंट प्लान, यानी कि एक बार बच्चों आपको मालूम चल गया, आपने इवेल्यूएशन किया और आपको मालूम चल गया है कि पूरा एक सब्जेक्ट, सपोज कि हम मान के चले कि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री है, पर्टिकुलर मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, तो उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अब मैं ऐसा क्या करूं तो जिससे मुझे 80 से अच्छे मार्क आए, तो उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटजिक इंप्रूवमेंट प्लान। सबसे पहले ये भी जान लेना जरूरी है कि उसमें से बोर्ड में कितने परसेंट में पूछे जाने वाला है। अगर उसमें से बोर्ड में बहुत ही कम परसेंट में पूछे जाने वाला है तो आपको प्रायोरिटी वाइज काम करना पड़ेगा। जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे एक अलग से लिस्ट आउट कर दीजिए, जिसका बहुत ही कम वेटेज है उसे अलग से लिस्ट आउट कर दीजिए। अब जिसको आपने एक सबसे पहले जिसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछे जाने वाला है उसको अलग से लिस्ट आउट कर लिया है, उसमें से आप देख लो बच्चों कि उसमें से कुछ टॉपिक जो होंगे जो सिर्फ रीडिंग बेस्ड होंगे, कुछ टॉपिक जो होंगे जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो थ्योरी बेस्ड होंगे। तो आप सबसे पहले देखो कि आपको कौन से टॉपिक इजीली आ सकते हैं, वो सबसे पहले करो, क्योंकि अगर एक बार आपने ऐसे टॉपिक्स किए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। सेकेंड थिंग के दूसरे जो भी टॉपिक्स जो है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है वो भी इजीली क्रैक हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय, सी यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जयमिन सथवारा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करके ये बताया कि सर हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हमारा एग्जाम में कुछ उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आज का ये वीडियो जो है इसका टॉपिक है हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ये ध्यान में रख लेना जरूरी है बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले ही हम ही आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ टिप्स देने वाले हैं, एंड दीज टिप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है बच्चों कि हम में से हर कोई कोई ना कोई फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है। कोई क्रिकेट में एक्सपर्ट है, कोई जो है वो फुटबॉल के अंदर एक्सपर्ट है, और कोई जो है वो वॉलीबॉल के अंदर एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले ये जान लो बच्चों कि हम लोगों ने ये जो एक्सपर्टीज जो है उसे हासिल कैसे किया। तो उसे हमने हासिल किया बाय इन्वेस्टिंग अवर टाइम। तो कोई भी चीज के अंदर अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो उस चीज के अंदर आप अपनी जो मास्टरी जो है उसे आप लोग अचीव कर सकते हो। वैसे ही स्टडी के अंदर भी बच्चों, आई एम डैम श्योर कि अगर आप स्टडी के अंदर भी मास्टरी अचीव करना चाहते हो तो आप लोगों को अपना टाइम उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फर्स्ट टिप्स है फोकस ऑन द लेक्चर। जब भी कोई भी फैकल्टी आपको कोई भी लेक्चर दे रहा हो तो उस लेक्चर पे 100% फोकस करिए, तो उसी टाइम पे आपका 50% काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फैकल्टी आपको जो भी कोई शॉर्ट ट्रिक्स दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, एमसीक्यू दे रहे हैं, वो हर कोई चीज आपको एक नोटबुक के अंदर नोट डाउन करते जाना है। तो एग्जाम टाइम पे ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये ध्यान में रखिएगा। सेकेंड टिप जो है वो है हमारी कॉन्टेम्पलेट अबाउट योर लेक्चर, यानी कि कोई भी फैकल्टी अगर कोई भी लेक्चर देता है तो उस लेक्चर के बारे में आपको सोचना है बच्चों कि इस लेक्चर में आज फैकल्टी ने हमें पढ़ाया क्या है, इसके फॉर्मूलाज क्या थे, उसके रिएक्शंस क्या थे, उस फॉर्मूला से हम लोग दूसरे कितने प्रॉब्लम्स को क्रैक कर सकते हैं, ये सभी आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी एक चीज, उस टॉपिक को हम लोग इंटीग्रेट दूसरे कौन से टॉपिक के साथ कर रहे हैं, और बहुत सारे
क्वेश्चंस जो है वो हम लोग क्रैक कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारी सेकंड टिप्स है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थर्ड जो है टिप्स वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस टिप इज कंटिन्यूस एंड रैपिड प्रैक्टिस। आप कोई भी एक चीज को प्रैक्टिस कर करके उसके अंदर एक्सपर्टीज ला सकते हो बच्चों। जैसे कि कोई भी एक न्यूमेरिकल्स है तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आप उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे प्रैक्टिस कर करके उसके अंदर उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया जा सकता है या फिर उसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ आपको आ सकता है बच्चों। सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, तो वो सब अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट कैसे बने, तो वो सब भी अपने फील्ड के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस कर करके ही हर कोई अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बना है। आप भी बच्चों ऐसे कोई भी चीज के बारे में अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करके उसके अंदर एक्सपर्ट बन सकते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप है हमारा एवेल्यूएशन ऑफ योरसेल्फ, कि आपको अपने आप को एवेल्यूएट करना पड़ेगा। एग्जाम जो है वो सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बार बच्चे बहुत ही ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम नहीं देते हैं तो उन्हें मालूम ही नहीं चलता है कि हमने जो पढ़ा है उसमें से प्रॉपर हमारा रिजल्ट कितना आता है, ये भी जान लेना जरूरी है। क्योंकि बच्चों हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें से हम लोग कितना लिख सकते हैं और वो जो हमने कंटेंट जो लिखा हुआ है उसमें से कितने मार्क आते हैं वो भी जानना जरूरी है। इसीलिए ये जो टिप है हम लोग बता रहे हैं कि इवेल्युएट योरसेल्फ, आपको अपने आप का सेल्फ इवेल्युएशन करना पड़ेगा, ये जान लेना भी जरूरी है। और फिफ्थ और लास्ट ट्रिक है हमारा के स्ट्रेटेजिक इम्प्रूवमेंट प्लान, यानी कि एक बार बच्चों आपको मालूम चल गया, आपने एवेल्यूएशन किया और आपको मालूम चल गया है कि पूरा एक सब्जेक्ट, सपोज कि हम मान के चले कि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट है जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री है। पर्टिकुलर मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अब मैं ऐसा क्या करूं तो जिससे मुझे अच्छे से अच्छे मार्क आए, तो उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटेजिक इम्प्रूवमेंट प्लान। सबसे पहले ये भी जान लेना जरूरी है कि उसमें से बोर्ड में कितने परसेंट में पूछे जाने वाला है। अगर उसमें से बोर्ड में बहुत ही कम परसेंट में पूछे जाने वाला है तो आपको प्रायोरिटी वाइज काम करना पड़ेगा। जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे एक अलग से लिस्ट आउट कर दीजिए, जिसका बहुत ही कम वेटेज है उसे अलग से लिस्ट आउट कर दीजिए। अब जिसको आपने एक सबसे पहले जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछे जाने वाला है उसको अलग से लिस्ट आउट कर लिया है, उसमें से आप देख लो बच्चों कि उसमें से कुछ टॉपिक जो होंगे जो सिर्फ रीडिंग बेस्ड होंगे, कुछ टॉपिक जो होंगे जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो थ्योरी बेस्ड होंगे। तो आप सबसे पहले देखो कि आपको कौन से टॉपिक इजीली आ सकते हैं वो सबसे पहले करो, क्योंकि अगर एक बार आपने ऐसे टॉपिक्स किए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। सेकेंड थिंग के दूसरे जो भी टॉपिक्स जो है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है वो भी इजीली क्रैक हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय, सी यू।